डॉक्टर हमारी तरफ देखिए ना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि इस केस के बारे में आप जो कुछ भी जानती हैं उस पेशेंट के बारे में एक एक डिटेल मुझसे शेयर करेंगी। आप प्लीज आप हमें बताइए ना डॉक्टर, आप इस तरह मुंह फेर के क्यों बैठी हैं? कुछ तो बोलिए, बता दीजिए सच्चाई। ये डॉक्टर चुप क्यों है? ये पैसे खाने वाली टाइप की डॉक्टर तो है नहीं, तो फिर क्या खाकर चुप हो गई? डॉक्टर ये यही है, बताइए आप। डॉक्टर तुम बेहोश हो गई। ओह माय गॉड डॉक्टर क्या हो गया? अभी तो ठीक थी, मैं अभी इससे बात कर रही थी एक मिनट पहले। अरे माय गॉड क्या हो गया? करण आई एम सो श्योर कि इनके साथ खुद ब खुद नहीं हुआ है, किसी ने कुछ किया है इनके साथ। व्हाट? डॉक्टर के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई ऐसा ऐसे क्यों करेगा बेवजह? बेवजह नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि डॉक्टर मुझे उस लड़की का चेहरा दिखाने वाली थी जो यहीं कहीं छुपी हुई थी। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मुझे सारी सच्चाई बताएंगी और मुझसे कहा कि पहले उसका चेहरा देख लो। मैंने कहा भी कि पहले मुझे नाम बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में कई बार लोग अपना नाम चेंज कर आ जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, तो वो मुझे कुछ दिखाने वाली थी और मैं बस देखने ही वाली थी कि मुझे तुम्हारे लड़ने की आवाज आ गई और मैं बाहर चली गई। मैं शायद उस पेशेंट का चेहरा देख लेती अगर तुम्हारी आवाज भी आती तो। ये सब छोड़ो, भी एक काम करते हैं, ये कैबिन सर्च करते हैं चारों तरफ ध्यान से। एक काम करता हूँ, मैं इधर देखता हूँ, तुम उधर देखो। बिल्ली नहीं, ध्यान से चेक किया, सब जगह देखा तो है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। पुन्नू बेबी को ये सोचकर पसीना आ रहा होगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन शर्लिन बेबी बहुत स्मार्ट है, यू डोंट नीड टू वरी। कबर्ड में चेक किया, गिल्ली डंडा प्लेयर और देहातन प्रीता ने सब जगह चेक कर लिया, कहीं नहीं मिली, फिर तो 100% कपट में छुपी होगी। ओ गॉड, शर्लिन बेबी, हमारा खेल खत्म। नो नो नो, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर सीमा क्या हुआ आपको? डॉक्टर नर्स, एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे और आप लोगों ने क्या किया डॉक्टर सीमा? नहीं नहीं सिस्टर, हमने कुछ नहीं किया, वो एक्चुअली हम जब हम आए तो वो पहले से बेहोश थी। वार्ड बॉय एक मिनट, वार्ड बॉय को क्यों बुला रही हैं आप? आवाज मत कीजिए, देख मेरी बात सुनो, मेरी बात मुझे हाथ मत लगाइए। अरे नर्स, चाहते हो उसे, अगर मैं जाऊंगा नुकसान पहुंचाने, उसको रोकना पड़ेगा, वरना वो लोग समझेंगे कि मैं उसका पता। क्या हुआ है ना डॉक्टर? डॉक्टर क्या हुआ क्या? कैन यू प्लीज टेल अस एनीथिंग? डॉक्टर क्या हुआ? बड़ी अजीब बात है, हमारे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट पे ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। व्हाट? डॉक्टर आई थिंक इनको प्रॉपर वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए, प्लीज लेट्स नॉट बी लेट। बाना प्लीज तुम जाकर व्हील चेयर लेकर आओ जा, प्लीज। आप कौन हैं? मैं डॉक्टर ये हमारे साथ। हाँ।
और प्रीता ने पूरा रूम चेक कर लिया, सिर्फ ये कवर चेक नहीं किया। और अगर जाने से पहले लोगों ने सोचा कि उन्हें ये कवर भी चेक करना चाहिए तो तुम मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ गॉड, मुझे मौका देखकर पहले यहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं पूरी तरीके से फंस गई। क्या करूं क्या करूं? चलिए आइए डॉक्टर, आइए। प्रीता जी, जस्ट इग्नोर हिम, ये तो बकवास करता रहता है। मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी बोलिए। आइए एक सेकेंड। प्रीता जी, एक्चुअली मुझे मैसेज आया कि ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ऑफिस जाना होगा अर्जेंटली। क्या मैं ऑफिस जा सकता हूँ प्लीज? हाँ आप प्लीज जाइए, अपना काम कीजिए। यू शुड कैरी ऑन। इट इज सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तुम सच में इस बेवकूफ से शादी करने वाली? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है पृथ्वी की बुराई करने के अलावा? What? मतलब इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ डॉक्टर सीमा पर होना चाहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और तुम अभी भी पृथ्वी की बातों में उलझे हुए। ओह, अब समझा मैं, तुम्हारी सोच भी मेरी सोच की तरह हो गई है। तो तुम्हें भी ये लगता है ना कि पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो टाइम की वेस्टेज है, राइट? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम इस वक्त किसी और इंसान के बारे में सोच कैसे सकते हो? हमारा पूरा ध्यान डॉक्टर सीमा के ठीक हो जाने पर होना चाहिए। अरे बाहर क्या देख रहे हो? ढूंढ रहा हूं शांति, शांति का इंतजार कर रहा हूं। क्या पता किसी भी वक्त किसी भी घड़ी मुझे शांति मिल जाए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है, यहाँ पे टेंशन की वजह से मेरे अंदर स्टॉर्म चल रहा है। जब तक हमें ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा, ना ही शांति मिलेगी और ना ही सुकून। सब मिलेगा, तुम जो चाहती हो वो सब मिलेगा। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, नहीं समझी? तुम आओ मेरे साथ। कम वो देखो, अपनी नजरों को दूर दूर तक आसमान तक जाने दो, इंफिनिटी तक। अरे मॉल की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो आसमान में इंफिनिटी है वहां शून्य पर फोकस करो। पता है उसे क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में सवालों की जितनी भी गुत्थियां है ना, सब सॉर्ट आउट हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शून्य पे फोकस करो वहां। अरे नहीं करना तुम्हारी शून्य वून्य पे फोकस। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि हम उस डॉक्टर से कैसे बचेंगे। वो चुप इसलिए क्योंकि बेहोश है, जैसे उसे होश आएगा ना वो सबको सब कुछ बता देगी। पृथ्वी डेड, उसके बारे में सोचो। अरे सोचना क्या है उसमें, सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचो। इफ यू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। जी पृथ्वी। अरे कौन है तुम? ओए पृथ्वी। अरे अबे पृथ्वी मल्होत्रा, बाहर निकल, कहां तुम दबा के बैठा है? पृथ्वी कौन है तुम? मेरे घर में ऐसे कैसे घुसे आ रहे हो? आज छोड़ मेरा, वरना तेरे हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझे? पृथ्वी। अरे अब सुनो, पृथ्वी यहाँ पे नहीं है, वो शायद अपने घर पे होगा, आप वहाँ जाके चेक कीजिए। ओ मैडम, गया था मैं उसके घर, लेकिन उसकी माँ ने मुझे बोला कि पृथ्वी घर पे नहीं है। वो बोली जो बोली, उसकी डरी हुई आंखें पता क्या बोल रही थी? कि वो सच बोल रही है। उसी ने मुझे बताया कि पृथ्वी यहाँ आया होगा शायद, वरना मैं ऐसे फालतू नहीं आया यहाँ पे, समझे? बोला पृथ्वी, पृथ्वी मल्होत्रा बाहर निकल। वो नहीं यहाँ पे। पृथ्वी क्यों भौंक रहा है और मेरा नाम लेकर खुद की मौत को दावत देना चाहता है? And how dare you? तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की और ऐसी इनोसेंट लड़की को परेशान करने की? लगता है तू मुझे जानता नहीं है, तभी इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है। अक्खा मुंबई में मेरी चलती है, समझा? तू मुझे लगता है पहचाना नहीं। संजू, नील का छोटा भाई, याद नहीं फोन पे क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? भाड़े के टट्टू, ऐरे गहरे नत्थू गहरे, क्या बोल रहा था तू कि फोन करेगा? फोन क्यों नहीं किया बे? देख मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना, समझा? मैं तुझे पहले ही बता दे रहा हूँ, तेरे लिए बहुत बुरा होगा। अक्खा जिंदगी तो यही सोचता रहेगा कि हम लोगों से तूने पंगा क्यों लिया। एक काम कर, ये ले, ये। अरे नहीं नहीं बीबी, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, वो अच्छा ना? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मर ही जाऊँ, क्योंकि अगर मैं जीऊंगा ना तो टेंशन ले लेके टेंशन ही मुझे मार डालेगा। एक काम कर, एक मिनट,
ये बंदूक से ना ये मुझे मार डाल। अरे गोली चला, अरे मार डाल। नहीं 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 बंद सेल फॉर ऑल, मेरा दी एंड कर, नहीं खत्म कर देना, बस कर यार, नहीं खत्म कर दे। ओके ओके सॉरी सॉरी बॉस, तेरी लाइफ में तो सॉलिड प्रॉब्लम चल रही है यार। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी और अपने भाई की प्रॉब्लम्स का क्या करूं, पर तेरी तो वाट लगी पड़ी है। तो एक काम कर, पहले तू अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर, और सुन अगर तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू मुझे याद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। बस एक कॉल कर, तेरा काम हो जाएगा। ये संजू की जबान है जो कभी खाली नहीं जाएगी। वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुम जैसा कमीना, नहीं नहीं पूरी बात सुन ले, एक कमीना ही एक कमीने की जरूरत और भावनाओं को समझ सकता है। दैट इज द रीजन आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो ख्याल रख। हेलो, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। पानी वानी चाहिए? नहीं। काफी देर से देख रहा हूँ तुम सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है, फिर तुम उस चीज को रिजेक्ट कर देती हो, फिर से कुछ सोचती हो, फिर रिजेक्ट कर देती हो। अभी ठीक है, पानी पिला? नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ सोच रही हूँ और फिर वो आइडिया मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं उसे रिजेक्ट कर रही हूँ? ऑफ कोर्स बेबी डॉल, बिल्कुल। तुम्हारी सिर्फ आंखें नहीं बोलती, तुम्हारा चेहरा भी बोलता है। भगवान ने तुम्हें एक्स्ट्रा कोटा दिया एक्सप्रेशन का, वो उमड़ के ना तुम्हारे चेहरे पर बार बार आ जाता है। जो सामने बैठा था ना उसे समझ में आ जाता है कि कब तुम क्या सोच रही हो, कब क्या रिजेक्ट कर रही हो, क्या सोच रही हो, क्यों रिजेक्ट कर रही हो, सब कुछ। अच्छा, ऐसे पता भी लग जाता? एग्जैक्टली। वैसे तुम बताने की तकलीफ करोगी कि तुम क्या सोच रही थी? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हम शर्लिन को रंगे हाथों कैसे पकड़ सकते हैं, मतलब ऐसा क्या करें कि उसकी सच्चाई एक झटके में सबके सामने आ जाए। लेकिन मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे थे एकदम फ्लॉप से थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। सृष्टि, इसका राज क्या बात है मुझे बता। दीदी की एक पेशेंट है, उनको क्या बीमारी हुई है उसका राज वो पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे पागल समझ रखा है, है? मुझे क्या समझ में नहीं आता, पता क्या राज मुझे बता सारी बात, पर मैं एक थप्पड़ फिर से मार दूंगी तुझे। अरे क्या हुआ यार, ये सही है, मतलब बातें नहीं छुपाए और आप मुझे डांट रहे हो, ये कहां का इंसाफ है? दिस इज नॉट फेयर। मम्मा कुछ छुपा रही है ना? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ मम्मा। अभी अभी तो तूने कहा कोई राज की बात है, मैं तो कुछ छुपा रही है, बताना ही नहीं चाहती। अरे क्या बात है मुझे बता तो सही। मैंने बोला था, अरे वही तो खड़े होकर बोला था, फिर वहां पर अरे मैं मैंने ऐसी लाइन फेंक दी थी क्योंकि आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। लाइन तो फेंक रही थी। क्या अच्छा प्लान है? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल बी करण लूथरा का प्लान। ऐसे प्लान्स मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? वही अकल की शॉर्टेज। ऐसे प्लान सोचने के लिए, बनाने के लिए यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। और रियली या इंटेलिजेंट या फिर चालबाज, शर्लिन की तरह ना तुम भी बहुत चालू हो। नहीं रे, वो शालू है और मैं इंटेलिजेंट। एक मिनट, शालू शालू कहाँ से आ रही है, ये कौन है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। क्यों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करते हो ना, तुम्हारी आंखों में इतना सारे प्यार नहीं दिखाई दिया? प्यार मेरे कहाँ से आ गया बीच में, हम तो शर्लिन की बात कर रहे थे ना। नहीं, शर्लिन की बात मैं कर रही थी, लेकिन तुम शालू की बात कर रहे थे। मैंने चालू बोला और तुमने शालू सुना। ओ, ज़बान फिसल गई होगी। कमाल है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा लेकिन तुम्हारी टोन में, तुम्हारी आंखों में इतना सा भी प्यार, कंसर्न, फीलिंग्स है ही नहीं। लगता तुम्हारे लिए पुरानी यादें कबाड़ की तरह डंप किया और आगे बढ़े। तो बताओ मेरी आंखों में तुम्हें प्यार दिखता है? नहीं। अभी आगे प्यार तेरी काली यकीनों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे। अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूँ ना रहूँ।
हेलो हेलो हेलो, बाद में करना दी। आपको पता है मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। ये मम्मा मुझे कब से पूछे जा रही है कि प्रीता का है, क्या जवाब दूं उन्हें? पर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे इतने देर से? एक मिनट, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं करण सर के घर गई थी और वहाँ पे मैंने वो स्लैम बुक फटी हुई देखी, वो सारे पिक्चर्स भी देखे। उन सबको देख के मुझे पता चल गया कि शर्ली ने हमें फिर से बेवकूफ बना दिया। पर आप मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? बोलो ना, कब से कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कुछ तो खबर दो यार। तू मेरी बात सुनेगी? तू चिंता मत कर, उस स्लैम बुक से भी ज्यादा बड़ा सुराग हमारे हाथ लग गया। तुझे पता मैं हॉस्पिटल गई थी दादी की रिपोर्ट सुनाने, तो मैंने वहाँ मैटरनिटी पेशेंट्स के रजिस्टर में शर्लिन के सिग्नेचर देखे। और फिर मुझे पता चला कि वो आज मैटरनिटी डॉक्टर से मिल भी रही है। उसके बाद करण और मैं हॉस्पिटल गए। कल की सजा सुन। हाँ, कल हमारी वो छुट्टा काम वाली बाई है ना, वो नहीं आ रही, तो कल घर के कपड़े बर्तन सफाई तू करे। काम कर ले माँ। चल माँ, कर ले अपना काम। माँ, मॉम, मैं नहीं करने वाली। मैं कहाँ फंसा दिया आपने दी यार, खुद तो हैंडसम से हम के साथ एंजॉय कर रहे हो वहाँ पर। शोरिन के बच्चे को एक्सपोज करने की सारे एक्साइटमेंट खुद ही एंजॉय कर लो और मुझे यही। कहां फैशन मॉडल बनना चाहती थी और कहां इवेंट मैनेजर बन गई। शोरिन के घर पे स्लैम बुक मिलने के बाद एक नया शौक जाग उठा, लेकिन जासूस बनने का। तुम रेडी हो ना? फिर भी मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ कि करना क्या है। जैसे ही शर्लिन दरवाजा खोलेगी, हम सीधा अंदर जाएंगे, उससे सवाल पे सवाल पूछेंगे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। वो कहेगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वो अपना पाप छुपाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हम सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे। वो हम पे गुस्सा हो जाएगी, कहेगी घर से निकल जाओ, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए तुम सवाल फिर से पूछोगी। और अगर वो कहेगी नहीं घर से निकल जाओ, मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगी, तुम खांसना शुरू कर दोगी, जोर जोर से खांसोगी, ताकि उसको लगे कि अगर तुम्हें पानी नहीं मिला तो तुम यहीं मर जाओगे, और वो पानी लेने चली जाए ताकि मैं उसके बेडरूम में जाऊँ। उसके बाद तुम उसके बेडरूम में उसकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स ढूंढ लोगे, क्योंकि रिपोर्ट्स जैसी इंपॉर्टेंट चीज तो उसने अपने बेडरूम में ही कहीं ना कहीं छुपाई होगी, राइट? यस। कितनी बार बताओगे, अब तो मुझे मुंह जबानी याद हो गया। अरे स्कूल का मास्टर होता ना, वो भी बच्चों से इतनी बार रिपीट नहीं करवाता, और मैं तो डॉक्टर हूँ। क्या क्या कर क्या रही हो? बेल बजा रही हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। ऐसे कौन बेल बजाता है? मैं देखती हूँ। एक मिनट, क्या मुझे लगता है वो भाड़े का गुंडा संजू होगा। मैं देखता हूं। What a pleasant surprise. पता है मैं कितनी बोर हो गई थी सुबह से, घर में अकेली थी। अच्छा तुम लोग आ गए। झूठ। Excuse me? झूठ ही तो बोल रही हूँ। ऐसे pretend कर रही हो जैसे हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए, जैसे बचपन के बिछड़े हुए दोस्त मिल गए। क्या गजब की एक्टिंग करती हो तुम। चलो, चेहरे पे मुस्कान है लेकिन तुम्हारे दिमाग और दिल में हमें देखकर गुस्सा भर गया। I'm sorry, प्रीता, तुम क्या बोल रही हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अरे रहने दो, तुम्हें सब समझ में आ रहा है। एक एक लव जो मैं कह रही हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बात कहूँ, ये जो गुडी गुडी गर्ल का मुखौटा तुम लगाती हो ना, मत किया कर, तुम्हें सूट ही नहीं होता है। ओ, लगता है ये दोनों अब मुझे दिखावे के लिए भी अच्छे से बात नहीं करेंगे। करेक्ट। इतने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए नो मोर ड्रामा, नो मोर कहानियां। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ऋषभ और तुम्हारा रिश्ता ना बहुत फॉर्मल है, और ऋषभ तुम्हारे बच्चे का बाप हो ही नहीं सकता। लगता है वापस आ रही। पानी पी लो, ये तो खास खास से तुम्हारे लंग्स बाहर आ जाएंगे, गरीबों वाली बीमारी। करण कहाँ गया?
ये करण का है? करण तो तुम्हारा वॉशरूम यूज करने गया, आता ही होगा। कहीं करण वॉशरूम के बहाने कुछ ढूंढने तो नहीं गया है? मैंने तो करण को वॉशरूम की तरफ जाते हुए नहीं देखा। तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे तो लगता है तुम कोई झूठ छुपाने की कोशिश कर रही, तभी इतनी सस्पिशियस हो रही। अरे अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो वॉशरूम के अंदर जाकर देख लो, वो है कि नहीं। वैसे ना ऐसे वो लोग बिहेव करते हैं जो अपने किसी राज को लेकर घबराए हुए हो, जिन्हें पकड़े जाने का डर होता है। तो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही? तुम तो एकदम क्लीन हो ना, दूध की दूधी अकॉर्डिंग टू यू, सो रिलैक्स। प्रीता को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि पृथ्वी मेरे साथ मेरे बेडरूम में था। लेकिन ये करण आखिर ये कर क्या रहा है? तुम कुछ भी बोलती रहती हो ना। अरे मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि करण मेरे घर में ज्यादा नहीं आता, तो उसे क्या पता होगा कि वॉशरूम कहाँ है? कहीं उसे वॉशरूम नहीं मिला तो? अच्छा सेकंड, क्या है? मुंह पे हाथ रख के खांसो। चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता नहीं है कि इसे कुछ मिला होगा। What? अरे तुम्हारा घर है, इधर भागती हो उधर भागती हो, कोई रेस कोर्स थोड़ी ना। मुझसे टकराए गिर गई तुम, देख के भागा करो, ओके? वैसे शर्लिन बाथरूम बहुत अच्छा है तुम्हारा। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास पावर्स है जो विचेस के पास होती है, क्योंकि तुम उड़ती भी बहुत अच्छा हो और सफाई भी तुम्हारे पास हर बात के लिए रेडी रहती है। खैर बाथरूम की बात बाद में करेंगे, मैं बताऊं मैं कहां जा रहा हूं? हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर को होश आ गया। अरे वही डॉक्टर जो तुम्हें जानती है, तुम्हारी सच्चाई जानती है, सब कुछ बता देगी एकदम सच सच, ठीक है? क्या बकवास कर रहा है ये, देखिए जल्दी चले। अब जल्दी मिलेंगे पुलिस स्टेशन में। तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? चलो। मैं अभी अब बोल भी दो जो बोलना है यार, कम ऑन। I'm sorry. क्यों? अरे मैंने वो चिल्लाकर बोल दिया ना कि डॉक्टर सीमा को होश आ गया। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि अब क्या होगा, शैलन कमरे में चली जाएगी तो तुम्हें जासूसी करते हुए पकड़ लेगी, इसलिए मैंने बस चीख दिया कि डॉक्टर सीमा को होश आ गया। चाहती हूँ कि मेरे ऐसे चीखने से उसे भी पता चल गया, जो कि नहीं पता चलना चाहिए था। जो तुमने किया वही करना चाहिए था, ओके? वैसे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ इस बात को लेकर। थैंक यू, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, थैंक्स मुझे माफ करने के लिए। इट्स ओके, लेकिन हाँ अगली बार अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे डांटने से पहले ये मेरा एहसान याद रखना, ओके? क्या कर रही हो तुम? नाखून चबा रही हो? छी यार, देख के भी इरिटेशन हो रही है, ये नाखून कैसे कोई चबा सकता है? अच्छा तुम्हें इरिटेशन हो रही है? अरे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए मैं जेल जाने वाली हूँ और तुम मेरे नाखून की पड़ी है। चपर 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 चपर, हमेशा तुम्हारी चपर चपर खत्म ही नहीं होती। जितने चबाना है चबाओ, बट मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं कर रहा हूँ ना, जो भी मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ कर रहा हूँ ना, इसके आगे क्या तुम्हारी आरती उतारूं? वो करण और प्रीता पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में भी तुम्हारे संजू से पहले, और वो डॉक्टर वो सब कुछ बता देगी कि मैंने उस पे अटैक किया, मैं जेल जाऊंगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तुम तो अपनी प्रीता से शादी कर लोगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। खबरदार, जो मुझे चीटर बोला आइंदा से तो मेरी कोई नजर वजर नहीं है उस प्रीता पर, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम मायने रखती हो, you understand? बहुत हो गया। आइंदा से कभी भी मुझे चीटर बोला ना तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, do you understand? हम
चुके रिलैक्स, पर आइंदा से ये नेगेटिव बातें मत किया करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हें पता है कि मेरा दिमाग खटक जाता है। करूंगी। अब तुम रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ सकती है, और अब तो संजू भी हमारे पास, हमारा वजीर जो सीधा भी चलता है और आधा टेढ़ा भी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, आई एम डैम श्योर। पहुंच गया होगा ना। अचानक कैसे गिर गई? सारी मेडिसिन गिर गई, फर्श गंदा हो गया, अभी सब साफ करना पड़ेगा। मैं डस्टबिन और क्लीनर लेकर आती हूँ।